अभी हैप्पी बर्थडे बोल के दिखाएगी। अरु हैप्पी बर्थडे मान, गिफ्ट बहुत मैंडेटरी होता है गाइस। सुना तू पण सरप्राइज झाली। आज है ठाकुरायन जी का बर्थडे और इसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट रेडी है, बस अभी इसको खोलने की देरी है। आई थिंक सो उसको पसंद आएगा, उसको वैसे ये सब चीज़ें पसंद है ही, ऑफकोर्स हर लड़की को होती है, लेकिन ये मैंने काफ़ी मेहनत से ढूंढा है और इसको स्पेशली बनवाया है। यस चलो बट इट्स ऑलरेडी लेट, अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए, अभी केक कटिंग करेंगे। एक्चुअली हम अरिका उठने का वेट कर रहे थे तो अभी 6 बज गए, उठ चुकी है। अब ये गिफ्ट और केक दोनों कट करेंगे और देखते हैं अभी कहीं बाहर जाते हैं। और ये गिफ्ट चेक करने के चक्कर में मैंने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया है, क्योंकि गलती से अगर अरिका ने खोल दिया है, उसने खोल दिया तो उसको समझ जाएगा ना अभी क्या है। तो यहाँ पर मैंने पूरा चेक किया, प्रॉपर गिफ्ट रैप किया है, अब मज़ा आएगा। हैप्पी 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 बर्थडे, क्या बात है, एकदम गोवन लग रही है। अभी हैप्पी बर्थडे बोल के दिखाएगी। अरु हैप्पी बर्थडे मन, हैप्पी बर्थडे मन, इसका अब्बा डब्बा हैप्पी बर्थडे होता है। तो फाइनली अभी देखो 7 बज गए, पूरा सब रैप अप करके अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। उसके पहले केक कट करेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, फिर देखते कहाँ जाना है। वो कहाँ जाना है वो ये डिसाइड कर रही है, ढूंढ के रखा है ना कहाँ जाना है। तो ये देखिए केक, आप बोल रहे हैं यार ये कैसा केक हुआ, ये तो केक जैसा लग नहीं रहा। तो ये केक ही है, लॉग केक, आइसक्रीम केक है। और इसके अंदर देखो केक का रोल और आइसक्रीम में सब मिक्स रहता है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन आप एक बार ये खाओगे ना, ट्रस्ट मी, आप नॉर्मल केक खाना, टू मिनट्स, एक बार आप ये खाओगे ना आपको नॉर्मल केक पसंद आएगा ही नहीं। और ये रहा हमारा बर्थडे सेटअप, छोटा सा स्मॉल फैमिली, क्यूट फैमिली। तो हो गया हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन और ये तो अपने काम पे लग गई है। एनीवेज अभी ये रुकिए क्योंकि गिफ्ट बाकी है, गिफ्ट बहुत मैंडेटरी होता है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है, अरे ऐसा सब बोलने बोल सब बोलते हैं, ऐसे ही है ऑब्वियसली, बर्थडे के दिन सब बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन होता है। अब अंदर सब कुछ ही होता है, स्पेशली वाइफ को तो देना ही पड़ता है। अब मैं देने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं बड़े प्यार से दे रहा हूँ, इसलिए तो स्पेशली बुनवाया है उसको। इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर साइज का, मैंने अंदाज लगाया है। लुक एट इट, वाह। तो गाइस ये देख लो, शादी के बाद ये सब होता है, आ जाएगा परफेक्ट। क्या मस्त लग रहा है ना, कैसे पता चला मुझे चाहिए था ये? मालूम था, अभी 4 साल 4.5 साल हो गए अपने को। अच्छा लग रहा है ना, एकदम रिच, एकदम ऐसा अमीरों वाली बस्ती। वो अपन उतने अमीर है नहीं ना, इसीलिए। तू पण सरप्राइज झाली, अरे बाप रे, तुला पण देऊ। उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है यार सब, अपना उसका ही है। ओ बाप रे, बिल्कुल मापे गई है। ये देखो ये लड़की दूसरों के घर में झांकना चालू, ये लड़की बैड मैनर्स, इधर आ। और ये देखो फ्लॉन्ट करती हुई लड़की, चार चांद लग गए। वैसे टचवुड मसकली का मानना पड़ेगा यार, मैं लिटरली 20-25 दिन बाद गाड़ी निकालता हूँ और बीच में चालू भी नहीं करता हूँ, लेकिन हमेशा टचवुड स्टार्ट हो जाती है, कभी अब तक टचवुड कोई प्रॉब्लम दिया नहीं है। और ये थोड़े बड़बड़ करते हैं, अवॉइड दैट। ये देखो 10-15 दिन पहले मैंने ये रखा था, आपने देखा होगा, इसमें देखो थोड़ा सा पानी जमा हो गया है, इतना मॉइस्चर। अभी भी बारिश हो रही है मुंबई में, तो अच्छा ही हुआ रख दिया। और देखो पूरा ड्राई, नो फंगस, नथिंग। तो बहुत टाइम पहले हम यहाँ पे ये प्लेनेट हॉलीवुड करके कुछ देख रहे थे, पता नहीं क्या है, तो सोच रहे थे यहाँ पे आने का। अभी रिव्यूज तो काफी अच्छे हैं, देखते हैं। वैसे भी घर के अपने पास ही है तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर आगे जाके घर यहाँ ले लिया तो ओके। सुना
लेकिन मैंने आप लोग के कंसिडरेशन लिए है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये करने से अच्छा ये करो, तो मैंने लिया है कंसिडरेशन में, ऐसा नहीं है। तो अपने फाइनल वाइनल कुछ किया नहीं अब तक, कैसे थोड़ा टाइम से देखेंगे, नए कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में कि हम प्री ओन्ड देख रहे हैं और बाद में पता चले कि हमने नए देखे ही नहीं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसीलिए वो भी ऑप्शन रखा है। चलो जाते हैं अंदर, पता नहीं क्या है, देखते हैं। तो बाप बेटी यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड प्लेस यार। ये देखो भाई साहब क्या बूफे लगा हुआ है, लेकिन ऑफकोर्स हम पूरा फुल खाना नहीं खा रहे यहाँ पे, बट बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज, अमीरों की बस्ती नहीं है सस्ती, समझ जाओ। अभी वॉशरूम देख लो यार, क्या बात है। बट भाई एक बात तो है, पैसा दे रहे हो तो आपको क्वालिटी भी उतना ही मिलेगा, उतने ही अच्छे ट्रीटमेंट मिलेगी और उतने अच्छा खाना मिलेगा, प्लस एम्बियंस तो है ही। वैसे ये जगह प्लैनेट हॉलीवुड, इनका चेन है एक्चुअली, पवे में भी है ये, ठाणे हीरानंदन इस्टेट में भी है, और भी जगह पे है आई थिंक, तो जितना मुझे पता है यहाँ पे एक साल हुआ है खुला है, एंड इट्स गोइंग गुड यार। बैंकेट हॉल और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, मतलब 3-4 फ्लोर है, रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है, लेकिन वो फिलहाल बंद है बिकॉज ऑफ बारिश। ये देखो ये लड़की की एक्साइटमेंट लेवल, मतलब वो तो पागल ही हो गया, इन लोग ने उसको बलून क्या दे दिया, और वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यार कोई भी टेबल पे जा रही है यार ये, तो इट डजंट लुक गुड ना। अरु चल इकड़े, चलो चलो। अरे अरे आपला घर नहीं है अरु, चला तिकड़े। बहुत बढ़िया, मतलब इट्स अ गुड वाइब रेस्टोरेंट, फूड इज ऑल्सो वेरी नाइस। हेलो हेलो मैडम, महंगा है ना? क्या है? महंगा है ना? बट हाँ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब इससे भी महंगे देखे अपन ने एक्चुअली, ऐसा ताजवाज जैसा महंगा नहीं है, उससे तो काफ़ी कम है। और ये देखो ये लड़की ना कहाँ कहाँ जाती है यार। अरु चलो बा, चलो चलो, अपना घर नहीं है बाड़ा। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुछ प्लान किया, इन लोग को बोला कि बर्थडे कैन यू डू समथिंग, तो उन्होंने सरप्राइज केक का बोला है, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, उसको पता नहीं है, उसको भी संभाल रहा हूँ यार। 5 मिनट में मैं नॉनस्टॉप बैठा नहीं हूँ, अब ये बच्चों को लेके जाना ऐसे ही होता है। हियर कम्स द सरप्राइज, वाह नाइसली डन यार, हैप्पी बर्थडे गायत्री, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। केक केक ये अरु अरु अ बिग थैंक यू टू प्लैनेट हॉलीवुड फॉर अरेंजिंग दिस। मैंने फिर उनको बताया था कि यार मैडम का बर्थडे है, फिर जनसर सेड कि यार हम केक प्लान करते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी केक, थैंक यू सो मच मैम। तो ये मैम का बिग थैंक यू सो मच। काफी ध्यान रखा अरिका ने, थैंक यू सो मच। चलो डन है जी, हम लोग अभी निकल रहे हैं, अब हम डिनर करने वाले थे लेकिन अरिका का खाना बाकी है, देखो 10:15 बज गए, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑर्डर कर लेंगे, और क्योंकि उसका रोना भी चालू हो गया है एंड शी इज लाइक अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई है, लेकिन काफी ज्यादा खेली है वो। क्या बात है यार, सच अ ब्यूटीफुल गणपति बाप्पा, बहुत बढ़िया, वाओ। अच्छा था, ऐसे ही प्लान बनते हैं यार। ऑल राइट, बर्थडे हो चुका है खत्म। इतना डार्क क्यों है भाई? यार ये वाला गॉगल पहन के ये पुराना वाला कैमरा ऐसा एक्सपोजर कम क्यों कर देता है? तो अभी भी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश हो गया, अभी एडिटिंग के लिए बैठा हूँ और ये वीडियो एंड करते हैं। लेडीज जो हमारे लाइफ में, जैसे वाइफ हो गई, मम्मी हो गई, दादी हो गई या बहन हो गई, इन लोग का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन अवर लाइफ विदाउट दीज पीपल, क्योंकि अनोइंगली और अनोइंगली हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी और बहुत ज़्यादा हेल्प लाइफ की होती है विद दीज पीपल, इसीलिए ये लोग हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इनको खुश रखना हमारा कर्तव्य है। ऑब्वियसली अब हम हमेशा राइट नहीं हो सकते, कभी कभी हमारी गलती होती है, कभी कभी झगड़े होते हैं, अब वी एज अ कपल हम लोग झगड़ते भी बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि हम कभी झगड़ते नहीं है, परफेक्ट कपल है, देर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट कपल, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। वैसे जो लोग अभी शादी करने वाले हैं, होने वाली है या अभी तक की नहीं है, स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी नई नई हो चुकी है,
कि देखो स्टार्टिंग में सब गुड़ी गुड़ी होता है, लेकिन असली असली मैरिज लाइफ आप तब एक्सपीरियंस करोगे जब आपको बेबी हो जाएगा। बेबी हो जाने के बाद थिंग्स चेंज कम्प्लीटली, मतलब वो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। प्लस बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसा पॉइंट आता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लाइफ में कि यार हमारे काम नहीं हो रहे हैं, पूरा सब टाइम हमारा इसी में जा रहा है, फैमिली में जा रहा है, ऊपर से सोने को भी नहीं मिलता है यार बहुत टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, झगड़े भी होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, और हमारे साथ भी होते हैं, सबके साथ होते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करना हमारा काम है। तो ऐसे ओकेजन जैसे बर्थडे हो गया या कोई भी फेस्टिवल हो गया या कोई ऐसा ओकेजन हो गया जिसमें हम फैमिली को टाइम दे, वो देना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये माइंड से स्लिप हो सकता है, लेकिन देखो यार आफ्टरऑल दुनिया तो बाजू में है, यही लोग तुम्हारे साथ है टिल द एंड ऑफ लाइफ, तो हमारा काम है उसको बैलेंस रखना। अब बैलेंस रखने की डेफिनेशन हर बंदे की अलग अलग है, सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, लोग अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। तो मैं मेरे हिसाब से हमेशा ट्राई करता हूँ कि आई कीप माई फैमिली हैप्पी। कभी कभी मेरे से भी गलतियाँ हो जाती है, तो झगड़े हो जाते हैं यार माँ से, बहन से, या बहन से तो नहीं चलो लेकिन वाइफ से, या होते हैं झगड़े घर से, वो तो रोज़मर्रा ज़िंदगी का भाग है, लेकिन उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करने देना चाहिए टू योर लाइफ जिससे काफ़ी सारे चेंजेस आ जाए, उसका बहुत सारा प्रभाव पड़ जाए हमारे लाइफ पे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती है, और इसीलिए मेरा जो कोशिश था ये वीडियो में कि टू मेक माई वाइफ हैप्पी, और बस बर्थडे है यार, बर्थडे के दिन हमको भी लगता है कि हम खुश रहे, तो वही मेरा प्लान था और आई थिंक आई हैव डन वेल। अब रही बात गिफ्ट की, तो चलो ये क्या बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, लेकिन गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता। लाइक दिल से अगर दिया जाए तो 200 रुपए की चीज़ भी उतनी ही मायने है जितनी 2000 रुपए की चीज़ है, या मे बी इवन मोर। हाँ मतलब सबको ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को गिफ्ट बहुत मायने रखता है, लेकिन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब चलो मुझे कोई ज्ञान नहीं देना है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं कोई ऐसा पॉडकास्ट वीडियो बना सकता हूँ, डिपेंड्स आप कमेंट सेक्शन में जो बता सकते हो। और ये पीछे थोड़ा सा मैस रहता है हमेशा, इसको अवॉइड करो, यहाँ पे बेड, यहाँ पे मैस, यहाँ पे सब सामान है, भाई क्या करें यार, ऑफिस तो नहीं बना सकते यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड ठाकुरन जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और मराठी वीडियो जल्दी आने वाला है, रेडी है, बन चुका है, बस कुछ चीज़ें बची है, बस आई एम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो शायद वो आ जाए, मराठी रिव्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।